हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस क्लास में, क्लास एट्थ के लिए चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स, जो कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, जो अभी अभी रिसेंटली चेंज हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ रैशनल नंबर। ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप रिकॉल कीजिए, जैसा कि आपको सिक्स्थ में सेवन्थ क्लास में हमने बताया, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। दोज नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू, इस तरह की फॉर्म के, पी बाय क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स, बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आता है। तो ये रैशनल नंबर्स हैं, या सिंपल आप ले मैन की लैंग्वेज में अगर कहना चाहें तो ओवर वाले नंबर्स, ये जिसमें फ्रैक्शनल नंबर्स 1/2, 3/4, जो नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मैंशनड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द रैशनल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग, -5/6 +3/4। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आप सब जानते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। 6 and 4 का एलसीएम, 2 से 2 3 is 6, 2 2 is 4। 2 से अगेन, अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, 2 1s are 2। फिर हम 3 के टेबल पे आ जाएंगे, 3 1s are 3 और ये 1 का 1 ही रहेगा। 3 2s are 6, 6 2s are 12। इन सब नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 इज़ द एलसीएम। अब आपको ये फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, एलसीएम को यहाँ लिख लीजिए। अब ये जो डिनोमिनेटर है इनको एलसीएम के इक्वल करना है, 6 और 12, 6 2s are 12, किस नंबर से 6 को मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास 12 आ जाए, 6 2s are, उसी 2 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 into 2। अब दूसरा देखिए, 3/4 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 4, 4 3s are 12 होता है, तो उसी 3 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3s are 9। एक बार फिर से देख लीजिए, इनका एलसीएम आया 12, 6 2s are 12, तो उसके न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 3s are 12, तो न्यूमरेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, -5 into 2, -10, 3 3s are 9, ये आ गया 12। अब ये रिकॉल कीजिए, एडिशन कैसे करते हैं, जब एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या करना होता है, हमने हमेशा माइनस ही करना होता है और साइन ग्रेटर टर्म का लगाना होता है। तो यहाँ प्लस और माइनस है तो हमने माइनस किया, 10 में से 9 को माइनस किया 1 आ गया, और ग्रेटर टर्म यहाँ कौन सी है, ये 10 वाली, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो -1/12, दिस इज़ द आंसर। सेकेंड पार्ट, 6/11 प्लस ब्रैकेट में -2/3, सेम आप 11 एंड 3 का एलसीएम लेंगे, ये देखिए दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 11 3s are 33 आएगा, 33, और ये भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, प्लस इनटू माइनस माइनस होता है, जब प्लस से ब्रैकेट ओपन होती है तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साइन पे कोई डिफरेंस नहीं आता, सो दिस इज 6/11 -2/3। अब एलसीएम ले लीजिए, वो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, 11 3s are 33, तो 6 3s are, और यहाँ 3 है तो 3 11s are, 3 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी 11 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 6 into 3 -2 into 11, 6 3s are 18 -11 2s are 22। सो नीचे तो डिनोमिनेटर आप एज इट इज़ लेते जाएंगे, अब इनको आप अगेन सॉल्व करो, प्लस माइनस, आप जब इनको सॉल्व करेंगे ग्रेटर टर्म का साइन लगाएंगे, नेगेटिव है तो माइनस करना पड़ेगा, -4/33 इज द आंसर। -5/24 +7/12, 24 और 12 का आप एलसीएम लीजिए, देखिए एलसीएम वही सेम वे में लेना है, तो एलसीएम कितना आ गया, 24, इन सबको मल्टीप्लाई, एलसीएम 24 है तो 24 को into 1 करेंगे, उसी नंबर से आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे -5 into 1 आ जाएगा, 12 2s are, उसी 2 से आप 7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2s are 14, -5
प्लस 14, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, तो माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो 9, और ग्रेटर टर्म का साइन, ग्रेटर टर्म क्या है यहाँ, प्लस की, तो प्लस का साइन, और ये आ गया 9/24। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, कई बार आंसर यही छोड़ा होता है, कई बार इनको सेम जो नंबर जिस टेबल में ये आते हैं वहाँ से कटिंग भी कर दी जाती है, 3 3s are 9 एंड 3 8s are 24, तो 3/8 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, -11/12 +7/8, सेम वे आप 12 और 8 का एलसीएम लीजिए, 2 से देन 2 से देन अगेन 2 से देन 3 से, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4 2s are 8 8 3s are 24 एलसीएम में आ गया, 12 2s are 24, तो ऊपर भी उसी 2 से मल्टीप्लाई, 8 3s are 24, 8 × 3 होता ना, तो ऊपर 7 है तो उसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा, जिस नंबर से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो दिस इज़ नॉट फॉर राइटिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, लिखना आपने यही है, -11 × 2 +7 × 3। अब आप समझ के होंगे कि ये 2 कहाँ से आया और ये 3 कहाँ से आया, मल्टीप्लाई कीजिए, -22 + 7 3s are 21, एक टर्म प्लस एक माइनस, दोनों को माइनस कर लो और ग्रेटर टर्म का साइन लगा लो, दिस इज -1/24 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट, -3/10 +-7/15, देखिए 10 और 15 का एलसीएम, 2 फिर 3 और फिर 5, एलसीएम आ गया 30, अब यहाँ आप 30 लिख लेंगे, 10 3s are 30, उसी 3 को आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 15 2s are 30, तो -7 × 2 आ जाएगा, ये आपने डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। अब आप देखिए यहाँ 30, ये -9, दिस इज 7 2s are 14 विद नेगेटिव साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, अब जब दोनों ही टर्म नेगेटिव होती हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और साइन किसका आता है, माइनस का आता है, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, 14 और 9 को आप जब प्लस करेंगे इट विल गिव यू 23 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं, -23/30 इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट, -5/7 +3/14, 7 और 14 का एलसीएम दैट इज 14, 7 2s are 14, तो -5 × 2 हो गया, 14 1s are 14, तो हम ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -10 + 3, अगेन एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करना हमने माइनस है, साइन हमने ग्रेटर टर्म का लगाया, तो -7/14, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 1s are 7 2s are, तो इट विल गिव यू -1/2, दिस इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट, 7/6 +-5/9, 6 और 9 का पहले आप एलसीएम लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे इट विल गिव यू 18, नीचे आपने 18 लिख लेना है, 6 3s are 18, तो 7 × 3 हो गया, और 9 2s are 18, तो -5 × 2 हो गया, ये नेगेटिव साइन था, 7 3s are 21 -5 2s are 10 / 18, 21 में से 10 को माइनस करो, 11/18, यहाँ बड़ी टर्म का साइन लगाना है दैट इज़ प्लस, तो आप इसको कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस का साइन, 11/18 इज द आंसर। एट पार्ट, -11/15 +21/25, अगेन 15 और 25 का आप एलसीएम ले लेंगे, ये रहा 3 5s are 15 और 25 तो आता नहीं तो वो एज इट इज़, देन 5 से 5 1s are 5, 5 5s are 25, इट विल गिव यू 75, अब एलसीएम 75 आ गया, 15 5s are 75, तो -11 × 5 कर देंगे, 25 3s are 75, तो ये उसी 3 से हम इसको 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट -55 +63, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, दोनों को क्या करना है, माइनस, साइन किसका आना है, ग्रेटर टर्म का, तो प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस करेंगे, 8/75 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग, आपको नंबर्स दिए हैं, आपने उन पे प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब
दो नंबर्स दिए हैं, आप चाहे पहले फर्स्ट लिखो उसमें सेकेंड ऐड करो, या सेकेंड वाला पहले लिख के उसमें फर्स्ट ऐड करो, यू विल गेट द सेम आंसर। जैसे कि सिंपली अगर हम बात करें तो 2+3 भी 5 होते हैं और 3+2 भी 5 होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को आपने इन नंबर्स के लिए वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फर्स्ट पार्ट, a+b = b+a, पहले आप प्रॉपर्टी मैंशन करेंगे। चलिए, a मतलब फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, -5/8+3/4 इट शुड बी इक्वल टू, अगर हम 3/4 पहले लिख लें और बाद में उसमें -5/8 करें तो ये सारा आंसर दोनों तरफ सेम आना चाहिए, प्रॉपर्टी तभी वेरीफाई होगी। अब देखिए 8 and 4 का जब आप एलसीएम लेंगे इट विल गिव यू 8। एलसीएम लेना आपको मैंने सिखाया पिछले क्वेश्चन में बहुत बार, फिर भी आप देख लीजिए एक बार, 2 4s are 2 2s are, देन 2 2 1 and 1 2 2s are 4 2s are 8, दिस इज द एलसीएम 8 into 1, तभी ये डिनोमिनेटर रूल वही रहना है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है। 8 into 1 8, तो 5 into 1 -5 into 1 कर देंगे, 4 2s are 8, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल गिव यू -5+6/8, -5+6 इट विल गिव यू 1/8। इसी तरह से आप इस साइड पे चलेंगे जो RHS है, राइट हैंड साइड है, दिस इज 4 2s are 8, ये रिवर्स नंबर्स लिखे जाएंगे, 3 into 2 6, -5 6 -5 1, 1/8, दोनों तरफ 1/8 आंसर आ रहा है, सो द प्रॉपर्टी इज वेरी फाइट। पार्ट सेकेंड इज -2/5 and -3/15, पहले आप 5 और 15 का एलसीएम लेंगे, इट विल गिव यू 15, एलसीएम आप खुद देखेंगे 5 और 15 का, तो ये आपको 15 देगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a+b = b+a, ज़रूरी नहीं आप a एंड b लिखें, आप x+y = y+x भी लिख सकते हैं, a b x y का मतलब है एनी टू रैशनल नंबर्स। सो -2/5 + -3/15 = -3/15 + -2/5, सिंपल है, जो आपने नंबर्स जिस ऑर्डर में लिखे हैं दूसरी बार उनका ऑर्डर रिवर्स कर देना है और बीच में प्लस का साइन। 15 एलसीएम आ गया, दोनों तरफ सेम रहेगा क्योंकि नंबर्स तो सेम हैं, सिर्फ आगे पीछे लिखे हुए हैं। 5 3s are 15, तो -2 into 3, 15 1s are 15, तो -3 into 1, देख लीजिए दिस इज 3 2s are 6, -6 -3, -9/15, सेम हेयर सेम ही नंबर्स चलेंगे, -3 -6 इट विल गिव यू -9/15, हैंस अवर आंसर इज वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, दैट इज -7/10 and 8/15, अगेन 10 और 15 का पहले आपने एलसीएम ले लेना है, ये यहाँ मैंने आपके लिए लिया है, 10 एंड 15 का एलसीएम 30 आएगा, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, वही a+b = b+a, नंबर्स a मीन्स फर्स्ट नंबर, b मीन्स सेकेंड नंबर, -7/10 + 8/15 = 8/15 + -7/10, सेम वे आप इसको देखिए, 30 10 3s are 30, 15 2s are 30, तो ये नंबर्स 3 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम यहाँ पे 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देन इट विल गिव यू 7 3s are 21 विद नेगेटिव साइन, +8 2s are 16, अब -21 + 16, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करना माइनस है साइन, ग्रेटर टर्म का लगाना है, तो -5/30 और ये -5/30, दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है। अब आप इसको चाहे तो आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, 5 1s are 5 6s are 5 1s are 5 6s, तब भी ये -1/6 और ये -1/6 आएगा, हैंस आर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का, -11/14 + 17/21, अगेन 14 और 21 का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल गिव यू 42। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a+b = b+a, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, चलिए सेम ग्राउंड्स पे हम इनको करते हैं, 42 एलसीएम आ गया, 14 3s are होता है 42, तो ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21 2s are होता है, तो 17 into 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ -33 17 2s are 34, इट विल गिव यू 1/42 और एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू 1/42, हैंस आर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। फिफ्थ पार्ट,
माइनस फाइव एंड टू बाय थ्री नंबर्स दो हैं, माइनस फाइव. स्टूडेंट्स माइनस फाइव का मतलब यहाँ माइनस फाइव बाय वन है. अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो वहाँ डिनोमिनेटर वन होता है. सो प्रॉपर्टीज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, नॉट बी ए प्लस बी, बी प्लस ए. सो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म. अब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मतलब वन है और एल सी एम थ्री ही रहेगा. वन है तो इंटू थ्री, थ्री वन जा थ्री होता है तो फाइव को भी, माइनस फाइव को भी हम थ्री से कर देंगे. थ्री वन जा थ्री तो टू वन जा टू आ जाएगा. दिस इज माइनस फिफ्टीन प्लस टू अपॉन थ्री. सेम ग्राउंड्स पे हम यहाँ चलेंगे तो आपको दोनों तरफ माइनस थर्टीन बाय थ्री, माइनस थर्टीन बाय थ्री मिल जाएगा. तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर थ्री इज वेरीफाई एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द गिवन रैशनल नंबर्स. आपको कुछ रैशनल नंबर्स गिवन हैं जिनमें आपने एसोसिएटेड प्रॉपर्टी शो करनी है. अब एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइक ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. मतलब तीन नंबर्स हैं एडिशन की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव के लिए. चाहे आप फर्स्ट टू को पहले ऐड कर लीजिए, उनके आंसर में थ्री ऐड की थर्ड ऐड कीजिए, या फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकेंड और थर्ड पहले प्लस कर लीजिए, जो आंसर आए उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करो, यू विल गेट द सेम आंसर. जैसे कि वन प्लस थ्री प्लस टू, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस टू सिक्स, और यहाँ वन प्लस थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू फाइव हो गए, फाइव प्लस वन सिक्स हो गए. दोनों तरफ सिक्स आंसर आएगा. दिस इज नोन एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. सो स्टार्ट करते हैं. एक्स यहाँ पे आपको गिवन है नंबर्स. एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स मतलब फर्स्ट नंबर, वाई मतलब सेकेंड नंबर, जेड मीन्स थर्ड नंबर. ये आपको गिवन है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आप लगाएंगे. आप यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, मतलब पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा बाद में उसमें z ऐड किया जाएगा. और इस RHS में फ़र्क क्या है? पहले हम पिछले दो नंबर्स को ऐड करेंगे, बाद में उसके आंसर में हम फर्स्ट नंबर ऐड करेंगे. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. देखिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, ये गिवन है आपको. x की वैल्यू, y की वैल्यू प्लस फाइव बाई सिक्स, और यहाँ पहले हमने पिछले दो नंबर्स ऐड करने हैं. थ्री और टू का LCM सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स LCM आएगा. टू टू ज़ा थ्री, टू ज़ा सिक्स होता है ना, तो माइनस टू इंटू टू कर देंगे. और यहाँ टू थ्री ज़ा सिक्स होता है तो वन इंटू थ्री आ जाएगा. सेम वे में यहाँ पे देखिए LCM सिक्स आ जाएगा. टू थ्री ज़ा सिक्स होता है तो ऊपर न्यूमरेटर को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया. सिक्स वन ज़ा सिक्स होता है तो उसी वन से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. ये आ गया आपके पास टू टू ज़ा फोर माइनस साइन प्लस थ्री, और ये दो लास्ट वाला नंबर है. दिस इज माइनस फोर प्लस थ्री. एक टर्म माइनस की, एक प्लस की. करना क्या है? माइनस फोर में से थ्री माइनस किए वन, और ग्रेटर टर्म का साइन लगा दिया, माइनस वन बाय सिक्स. यहाँ आपके पास आ गया फाइव एंड थ्री एट और सिक्स. अब आप इनकी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सिक्स सिक्स सेम है तो सेम ही एलसीएम रहेगा, माइनस फाइव प्लस वन, क्योंकि ये इंटू वन होना है सबका. थ्री टू ज़ा सिक्स तो टू टू ज़ा फोर, एट सिक्स वन ज़ा सिक्स तो एट को हमने वन से मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ देखिए फाइव में से वन माइनस किया फोर, ग्रेटर टर्म का साइन प्लस, और यहाँ टू टू ज़ा फोर माइनस साइन के साथ, और एट वन बाय. अब यहाँ पे भी ऐड कीजिए, एट एंड फोर माइनस करो, फोर आ गया ओवर सिक्स. यहाँ ही वेरीफाई हो रहा है. अगर आप इसको कैंसिल कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, टू बाय थ्री, टू बाय थ्री, हेंस द आंसर इज वेरीफाइड. सेकेंड पार्ट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय फोर, वाई इज इक्वल टू वन बाय सिक्स, जेड इज इक्वल टू फाइव बाय एट. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड. फ़र्क क्या है? सिर्फ एडिशन का. पहले फर्स्ट दो नंबर, RHS में लास्ट वाले दो नंबर्स. एक्स मीन्स माइनस थ्री बाई फोर, वाई का वन बाई सिक्स, जेड का फाइव बाई एट. ये लगा दिए. अब फोर और सिक्स का आप LCM लेंगे. देखिए फोर और सिक्स का LCM आप लोगे तो ये आ जाएगा ट्वेल्व. फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व तो ऊपर थ्री से मल्टीप्लाई, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व तो वन को टू से मल्टीप्लाई, बाकी एज इट इज़. और यहाँ देखिए सिक्स और एट का LCM, इट विल गिव यू ट्वेंटी फोर. ट्वेंटी फोर यहाँ लिखा, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर तो ऊपर के नंबर को, न्यूमरेटर को हमने फोर से मल्टीप्लाई कर दिया. एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर तो फाइव इंटू थ्री हो गया. नाउ माइनस नाइन प्लस टू, और ये बाद में. इसी तरह से यहाँ पे ये फोर और फिफ्टीन हो गया,
ये नंबर एज इट इज चलते जाएंगे जो कि हमने बाद में ऐड करने हैं. दिस इज एक टर्म प्लस की, माइनस की, माइनस की या माइनस 7/12, प्लस 5/8, माइनस 3/4, प्लस 19/24, 15+4, 19. अब 12 एंड 8 का आपने एलसीएम लिया, 12 एंड 8 का एलसीएम लोगे तो इट विल गिव यू 24. और यहाँ देखिए 4 एंड 24 का आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, इट विल गिव यू 24. 12 इंटू 2 होता है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई. 8 3 से 24 होता है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, ये लिखा. इसी तरह से 4 6 जा तो जिस नंबर से आप न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसी नंबर को ऊपर न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया जाता है. यहाँ आप देखिए 7 2 जा 14 विद नेगेटिव साइन, 5 3 जा 15, यहाँ माइनस 18 प्लस 19, 15 14. 1 का डिफरेंस 1 आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि बड़ी टर्म का साइन यही है. यहाँ पे भी 1/24, हेंस अवर आंसर इज वेरीफाइड. थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -5/12, z इज इक्वल टू -3/8. सेम फर्स्ट स्टेप सेम है, नंबर्स लिख लिए वो भी सेम है पिछले की तरह. देन हमने इनके एलसीएम लेने हैं. यहाँ मतलब कोई डिनोमिनेटर नहीं तो 1 है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ. 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कोई नहीं है मतलब 1 है तो 1 इंटू 12, 12 होता है ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा. और यहाँ 12 वन ज़ा 12 तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करा. 12 टू ज़ा 24, माइनस 5, ग्रेटर टर्म का साइन आना है, दैट इज़ प्लस, तो 19/12. स्टूडेंट्स एक बात का याद रखिए, जब टर्म के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ तो मतलब वो प्लस की टर्म है. -3/8. अब 12 और 8 का एलसीएम आप बहुत बार पहले भी ले चुके हैं, इट विल गिव यू 24. 12 टू ज़ा तो 19 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 3 ज़ा 24 तो ऊपर नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल गिव यू 38-9/24, 29/24. इसी तरह से जब आप ये साइड चलाते हैं RHS, इसमें देखिए ये LCM 24, 12 टू ज़ा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा तो ऊपर के नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, इट विल गिव यू -10, -9, यानी कि -19, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं. 2 इंटू 24, अब LCM आ गया 24, -19 इंटू 1, इट विल गिव यू 29/24. दोनों तरफ सेम आंसर आया है, हेंस आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. एडिटिव इनवर्स के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स उसका मतलब है कि टर्म का आपने साइन चेंज करना है. अगर वो प्लस की टर्म है तो उसको नेगेटिव बना दो, अगर वो नेगेटिव टर्म है तो उसको पॉजिटिव बना दो. -5/11 तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या आएगा, 5/11. आपने लिखना है एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू 5/11. 8/9 मतलब -8/9. टर्म को रेसिप्रोकल नहीं करना, बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं. आपको यहाँ एडिटिव इनवर्स पूछा है, आप कई बार क्या करते हैं वो टर्म को रेसिप्रोकल यानी कि उल्टाना शुरू कर देते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. दोनों को मिक्स नहीं करना, एडिटिव इनवर्स पूछा है, सिर्फ टर्म का साइन चेंज करना है. पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो. दिस इज 15/13. इसमें देखिए अब ये माइनस और माइनस जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हो तो मतलब टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा. तो हमारा एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -2/9. हेयर 3/-8 मतलब 3/8, 2/-7 मतलब 2/7. यहाँ भी देखिए अगेन ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -18/11. एंड 0, 0 का 0 ही रहता है, माइनस 0 या प्लस 0 कोई टर्म नहीं होती, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज रीअरेंज एंड रीग्रुप द रैशनल नंबर्स एंड सॉल्व. आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं, आपने उनका ग्रुप बनाना है, रीग्रुप करना मतलब उनकी ग्रुपिंग चेंज करनी है. ग्रुपिंग कैसे चेंज करेंगे, जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको साथ ले आना है. तो देखिए फर्स्ट आपके पास ये नंबर्स गिवन है, 2/5 प्लस -7/3 प्लस 4/5 प्लस 1/3. सेम डिनोमिनेटर वाले इकट्ठे कर लो, 2/5 4/5 इकट्ठे लिख लो, इनका डिनोमिनेटर सेम है. -7/3 और 1/3 आप एक जगह लिख लो, ये हो गया रीग्रुप, रीअरेंज एंड रीग्रुपिंग. अब ये देखिए डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम में वही सेम ही रहते हैं और न्यूमरेटर भी सेम रहता है इसमें, क्योंकि देखो 5 है तो 5 वन ज़ा 5, 1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो सेम रहता है. प्लस -7
plus 1 upon 3. Now it will give you 4 plus 2, 6 by 5 plus माइनस सिक्स बाय थ्री. यहाँ क्यों आया माइनस सिक्स? एक टर्म माइनस की, एक प्लस की, आपने उनको माइनस करना है और साइन ग्रेटर टर्म का लगा देना है. अब फाइव थ्री जा अगेन, आप चाहें तो इसको एज इट इज या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. थ्री वन जा थ्री टू जा, तो वही मैंने किया. थ्री वन जा थ्री टू जा आ गया, सो इट इज ओवर वन. अब आप इनका फिर से एलसीएम ले लेंगे. फाइव वन जा फाइव एलसीएम आ गया. ये देखिए सेम है, सिक्स फाइव वन जा, तो यहाँ सिक्स इंटू वन सिक्स ही रहेगा. 1 इंटू 5 करना है तो ऊपर भी 2 इंटू 5 हो जाएगा. 6 माइनस 10 अपॉन 5, 6 माइनस 10 कितने हो गए? माइनस 4 अपॉन 5. कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि पीछे आंसर डिफरेंट है. पीछे आंसर डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल पीछे वाला ही आंसर आपको दिया जाए, तो यहाँ आप यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे. आप इसको क्या करोगे, यहाँ से आप एलसीएम 5 थ्री जा 15 ले लोगे. फिर ये 6 इंटू 3 हो गया और ये माइनस 6 इंटू 5 हो गया. 6 थ्री जा 18 माइनस 30 अपॉन 15, सो इट विल गिव यू माइनस 12 बाय 15. देखिए ये और ये आंसर सेम है. इनमें क्या है, जब इस नंबर को भी 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा. सो इट विल गिव यू, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट. सेकेंड पार्ट इज माइनस 3 बाई 8 प्लस 4 बाई 7 प्लस 2 बाई 8 प्लस माइनस 3 बाई 7. अब सेम 7 7 वाले इकट्ठे, 8 8 वाले इकट्ठे, वही हमने किया. पहले इनको रीग्रुप किया. नाउ एलसीएम 8 माइनस 3 प्लस 2, एलसीएम 7 प्लस 4 माइनस 3, सो इट विल गिव यू माइनस 1 बाई 8, इट विल गिव यू 1 बाई 7. अब 8 7 जा 56, अगेन एलसीएम आ गया. 8 इंटू 7, तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई. यहाँ 7 8 इज़ अ 56, तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई, इट विल गिव यू 1 बाय 56. सो दिस इज रीग्रुपिंग एंड रीअरेंजिंग टू गेट अ आंसर. थर्ड पार्ट इज माइनस 6 बाय 7 प्लस माइनस 4 बाय 9 प्लस माइनस 15 बाय 7 प्लस माइनस 5 बाय 6. इसमें देखिए 7 7 वाला सेम है बट 9 एंड 6 वाला डिफरेंट है. तो आप 7 7 वाले इकट्ठे कर लेंगे और 9 एंड 6 वाला एक जगह लिख लेंगे. सेम वे में यहाँ 9 एंड 6 का आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 18. फिर 9 2 जा 18, तो 4 2 जा हो गया. 6 3 जा 18, तो ऊपर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ. सो इट विल गिव यू माइनस 21 बाय 7 प्लस दिस इज माइनस 8 माइनस 15. अगेन दिस इज 7 1 जा 7 3 जा, तो माइनस 3 आ गया और यहाँ आ गया माइनस 23 बाय 18. अब 18 इंटू 18 और 1 है, तो 18 और 1 का एलसीएम 18 आएगा क्योंकि यहाँ कटिंग हो गई है. तो मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है माइनस 3 ये इंटू 18 और माइनस 23 इंटू 1 ओवर 18. दिस विल गिव यू माइनस 54 माइनस 23 ओवर 18. जब आप इनको देखो, दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं. जब आप इनको सॉल्व करोगे तो दोनों टर्म्स नेगेटिव, यानी कि हमने दोनों को प्लस कर देना और आंसर में माइनस लगाना है. सो दिस इज माइनस 77 ओवर 18, दिस इज द आंसर. फोर्थ पार्ट 2 बाय 3 प्लस माइनस 4 बाय 5 प्लस 3 बाय 10 प्लस 1 बाय 3. 3 3 वाले कंबाइन, 5 एंड 10 वाली एक ग्रुप कर दिया. नाउ 2 प्लस 1 एलसीएम 3 है, सेम है, इंटू 1 इंटू 1 सेम रहने वाला ये सारा पोर्शन. यहाँ 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10, देन 10 वन्स आर 10 और उसी 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई. 5 टूज आर 10, एलसीएम के बराबर करने के लिए 2, तो उसी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई. सो दिस इज 2 प्लस 1 3 बाय 3 प्लस 3 माइनस 8 अपॉन 10, इट इज 1 प्लस माइनस 5 बाय 10. देखिए एक टर्म प्लस की, एक माइनस की, तो हमने क्या करना है, माइनस करना और ग्रेटर टर्म का साइन लगाना है. सो 5 वन जा 5 टू जा, इट इज 1 बाय 2. एलसीएम में 2 आ गया, 2 ये 1 हो गया, यहाँ माइनस 1 हो गया, सेम रहेगा. 2 माइनस 1 अपॉन 2 मतलब 1 बाय 2. 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया और 1 बाय 2 आंसर आ गया. पार्ट फिफ्थ इज माइनस 1 बाय 8 प्लस 5 बाय 12 प्लस 2 बाय 7 प्लस 5 बाय 7 प्लस माइनस 5 बाय 16. यहाँ भी अगेन रीअरेंज एंड रीग्रुप, मतलब 7 वाली एक जगह, 8 एंड 12 एंड 16 वाले एक जगह. दिस इज 2, ये 7, 2 प्लस 5, 8 और 12 का एलसीएम 24,
सेम वे में आपने करना है, 8 3s are 24 तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 12 2s are 24 तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, और ये साथ 7 by 7 -3 + 10 by 24 -5 by 16। सो यहाँ 1 आ गया, 7 और 7 1 दे देंगे, 7 1s are 7 1s are इट विल गिव यू 1 +7 by 24 -5 by 16। 24 और 16 का जब आप एलसीएम लोगे इट विल गिव यू 48, तो 1 × 48 24 टूज आ तो उसके न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 3s are 48 तो ऊपर 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इट विल गिव यू 48 +14 -15 / 48। ये देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू -1, 48 -1 47 by 48। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which of the following is the commutative property of addition? Commutative property of addition अभी आपने second question में पढ़ी है, क्या थी वो? First term plus second term is equal to second term plus first term. तो B is the right option. X plus Y is equal to Y plus X. Second part, which of the following is the associative property? Associative property ये देखिए addition की क्या है? First term plus second term plus third term, ये वाली C part. थर्ड, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 by -9। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, इट इज 5 by 9, तो जब इसका इनवर्स करेंगे एडिटिव इनवर्स तो इट विल गिव यू 5 by -9। सो बी इज द राइट ऑप्शन। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 by 3 इज, अब देखिए स्टूडेंट्स एडिटिव एंड आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में बहुत डिफरेंस है। एडिटिव इनवर्स होता है टर्म को डिफरेंट कर देना, यानी कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बना देना। बट एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो हम ऐड करें और हमारे पास सेम नंबर आए, यानी कि 3 है, 3 में मैं क्या ऐड करूं कि वापस मेरे पास 3 ही आ जाए, 0। सो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी की जो होगी वो क्या होगी, 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दो तो कोई डिफरेंस नहीं आता, नंबर ही रहता है। सो दिस इज 0. This is all about exercise 1.1, students. I hope you have got it. Hello everyone, welcome to my class. This is exercise 1.2, chapter 1, rational numbers for class 8. इसमें first question है subtract. Rational numbers की subtraction है इस chapter में. जिस तरह से पिछली exercise में हमने rational numbers को add किया है, इसी तरह से इस exercise में हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना। तो फर्स्ट पार्ट इज 2 by 5 फ्रॉम 4 by 5। अब पहले एक बार फिर से रैशनल नंबर्स को रिकॉल कर लीजिए। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, जो ओवर वाली फॉर्म में होते हैं, जिसको हम जनरल बोलते हैं। द नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। फ्रैक्शन वाले नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉसिबल है, वो रैशनल नंबर्स हैं। तो 2 by 5 फ्रॉम 4 by 5, फ्रॉम के बाद वाली टर्म को पहले लिखा जाता है, ये आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो सब्ट्रैक्ट 2 by 5 फ्रॉम 4 by 5, तो फ्रॉम के बाद 4 by 5 को हम पहले लिखेंगे, देन -2 by 5। अब देखिए यहाँ 5 और 5 डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, तो एलसीएम भी सेम रहेगा। ऊपर 4 माइनस 2 बिल्कुल ऐड जैसा ही प्रोसीजर लेना है, बस बीच में अगर नेगेटिव है तो आप माइनस कर देंगे, बीच में अगर प्लस है तो आप प्लस कर देंगे। तो 4 माइनस 2 दिस इज 2 by 5। नेक्स्ट इज -3 by 7 फ्रॉम 4 by 7, फ्रॉम के बाद 4 by 7 तो वो पहले चला गया, माइनस ये हो गया सब्ट्रैक्ट का, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो ये सब्ट्रैक्ट का हो गया, और ये माइनस जो है ये ऑलरेडी जो हमारी टर्म है -3 by 7 वो लिखा। दो बार माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में रखेंगे। अब नेगेटिव से आप इसको ओपन करोगे तो -(-) प्लस हो जाता है। ब्रैकेट के बाहर जब भी नेगेटिव साइन हो, जब हम नेगेटिव साइन से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर की जितनी टर्म्स होती हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं। सो 4 by 7 +3 by 7, 7 7 देखिए डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा, एलसीएम सेम आ जाएगा, ऊपर के नंबर्स को हम ऐड कर देंगे न्यूमरेटर्स को, 4 + 3 that is 7, तो 7 by 7 that is equal to 1। नेक्स्ट इज
माइनस 5/8 फ्रॉम 3/4। प्रोसीजर मेथड जो है वो सेम रहना है, नंबर्स कोई भी आ जाएं, आपने जस्ट एक ही मेथड लगाना है। पहले है माइनस 5/8 फ्रॉम 3/4, तो फ्रॉम के बाद वाली टर्म को पहले, देन ये सब्ट्रैक्ट का माइनस और ये माइनस 5/8 टर्म का है, ये आ जाएगा 3/4। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5/8। अब 4 एंड 8 का एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें 8 एलसीएम आ जाएगा, वो हम 8 लिख देंगे। अब यहाँ 4, जिस तरह से एडिशन में किया था, 4 टू ज़ा 8 होता है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 टू ज़ा 6, 8 वन ज़ा 8 है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 5, 6 प्लस 5 दैट इज़ 11/8, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, सेम मेथड आप लगाते जाइए और करते जाइए। माइनस 8/21 फ्रॉम 5/14, तो 5/14 पहले माइनस सब्ट्रैक्ट का और ये एक टर्म के साथ है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 14 और 21 का आप एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 42। अब 14 थ्रीज ऑफ 42 होता है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 21 टूज होता है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 5 थ्रीज ऑफ 15, 8 टूज 16, दोनों को ऐड कर लेंगे। आपने ये नहीं सोचना कि जो क्वेश्चन था वो तो सब्ट्रैक्ट का था और यहाँ हम ऐड कर रहे हैं, हम अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे जो चीज़ें आती हैं उनको स्टेप वाइज हम सॉल्व करते जाते। तो 15 प्लस 16 दैट इज 31/42। नेक्स्ट इज माइनस 7/10 फ्रॉम माइनस 8/15। माइनस 8/15 पहले सब्ट्रैक्ट का माइनस और ये टर्म, डबल साइन है तो ब्रैकेट लगा ली, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इट इज माइनस 8/15 प्लस 7/10। और 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, वो 30 देगा आपको। फिर आप यहाँ एलसीएम में लिखिए 30, डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसा, देन 15 टूज आ 30, तो माइनस 8 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस का साइन साथ लिखना है, प्लस 10 थ्रीज आ 30, तो 3 आ गया, 7 थ्रीज आ 21, तो 7 इंटू 3 कर देना, माइनस 16 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 30। अब एक टर्म प्लस की एक माइनस की, हम माइनस कर लेंगे और ग्रेटर टर्म का साइन लगा देंगे, तो 5/30, 5/30 का मतलब 5 वन ज़ा 5, 6 ज़ा 30, तो 1/6 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। नेक्स्ट इज 6/11 फ्रॉम 5/6, सेम मेथड, 5/6 पहले माइनस, अब यहाँ देखिए 6/11 सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि कोई डबल नेगेटिव नहीं है, चाहे तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। 11/6 66 इज द एलसीएम, 11/6 का एलसीएम आप 66 हो जाएगा। अब 6 है यहाँ तो इंटू 11 करेंगे तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है 11/6 66, तो 6 × 6, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा उसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 11/5 = 55 माइनस 36, 55 में से 36 को माइनस किया, इट विल गिव यू 19/66। दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट ईजी टू सॉल्व, बस स्टेप्स को फॉलो करिए, जिस तरह से स्टेप्स आते जाते हैं, कुछ रूल्स जो हैं बेसिक उनको याद रखिए कि ब्रैकेट ओपन करनी है तो क्या होना है, और प्लस अगर माइनस टर्म है, एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है, क्या होना है, बस उसी को अप्लाई करके यू कैन ईजिली सॉल्व, कभी गलत नहीं होगा। 3 - 3/4 फ्रॉम -5/12, -5/12 पहले ये सब्ट्रैक्ट का माइनस और ये टर्म, माइनस इंटू माइनस प्लस, देन 12 और 4 का एलसीएम 12, 12 वन्स आ तो यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई, 5 वन्स आ 5 ही रहने वाला है, 4 थ्रीज आ 12 तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 प्लस 9 इट विल गिव यू 4। देखिए क्यों 4 आया, क्योंकि एक टर्म प्लस की एक माइनस की है, दोनों को माइनस करोगे और साइन ग्रेटर टर्म का लगाओगे तो 4/12, 4/12 का मतलब है 4 वन्स आ 4 थ्रीज आ 12, तो 1/3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 13/10 फ्रॉम -8/25, -8/25 पहले माइनस 13/10, 25 और 10 का आप एलसीएम लेंगे, इट विल गिव यू 50, यहाँ आप 50 बना दीजिए, 25 टू ज़ा 50 होता है तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 10 5 ज़ा 50 होता है तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करना 5 से, इट विल गिव यू 8 टू ज़ा 16 विद नेगेटिव साइन, 13 5 ज़ा 65 विद नेगेटिव साइन। आप देखिए दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं तो करना प्लस है और साइन माइनस का लगाना है, तो दिस इज -81/50। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स। आपको एक्स और वाई दो नंबर्स दिए हैं, एक एक्स है एक वाई है, एक्स में भी एनी नंबर, वाई में भी एनी नंबर। इसमें आपने दिखाना है
कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि अगर हम 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 आता है, और अगर 2 में से माइनस को 5 किया जाता है तो माइनस 3 आता है. 5 माइनस 2 इज 3, 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3. तो ये प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव वाली है, जो प्लस में सही आती है, मल्टीप्लाई में सही आती है, बट माइनस में वो होल्ड नहीं करती, ना ही डिवाइड में होल्ड करती है. तो वही आपने प्रूव करना है. एक्स इज गिवन यू एज -5/13, वाई इज गिवन एज -3/8. चलिए एक्स माइनस वाई, पहले इसको सॉल्व कीजिए. पहले एक्स लिखा, माइनस ये बीच वाला, और फिर ये टर्म आ गई -3/8. अब आपने इसको 8 एंड 12 का एलसीएम देखिए, दैट इज 24. 8 एंड 12 24 एलसीएम दे देगा. 12 2 जा 24, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई. 8 3 जा, तो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 3 3 जा 9, -10 प्लस 9/24, इट विल गिव यू -1/24. माइनस 1 कैसे आया, 10 में से 9 को माइनस किया और ग्रेटर टर्म का साइन लगाया. अब आप यहाँ देखिए y माइनस x को हम सॉल्व करेंगे. पहले y की वैल्यू लिखिए, देन माइनस और फिर x की वैल्यू डालिए. सेम एलसीएम वही रहेगा, सिर्फ टर्म्स जो हैं वो आगे पीछे लिखी जाएंगी और साइन का डिफरेंस आ जाएगा. यहाँ क्या फ़र्क है, यहाँ प्लस का है, इधर ये वाला टर्म प्लस का हो गया क्योंकि हमने रिवर्स किया है डिजिट्स को. तो इट विल गिव यू 1/24. यहाँ आया -1/24, यहाँ 1/24. तो प्रॉपर्टी x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस x इज वेरीफाइड. किन पार्ट, x इज इक्वल टू 7/15, y इज इक्वल टू -3/10. तो प्रॉपर्टी वही, x माइनस वाई और y माइनस x, ये दोनों इक्वल नहीं है, आपने यही प्रूव करना है. तो देखिए 7/15 माइनस हो, और ये नेगेटिव माइनस इसका हो गया और ये टर्म के साथ एक नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. 15 और 10 का एलसीएम 30 आ गया. आप सॉल्व करके देखो, एलसीएम 30 आएगा. ये एलसीएम हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं. तो 15 टू ज़ा 30, तो 7 टू ज़ा 10, 3 ज़ा 30, तो 3 इंटू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया. 7 टू ज़ा 14 प्लस 9, दिस इज 23/30. यहाँ आ जाइए, y पहले लिखेंगे, y इज -3/10 -7/15. तो यहाँ देखिए ये दोनों ही टर्म्स नेगेटिव रह गई. सेम हमने एलसीएम लिया, उसको सॉल्व किया, तो यू विल गेट -23/30. तो y माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई, हेंस वेरीफाइड. नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू -15/16, y इज इक्वल टू 7/12. तो x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स. एक्स माइनस वाई लिखेंगे तो -15/16, -7/12. और y माइनस एक्स में ये आप रिवर्स करके लिख लेंगे, y की वैल्यू पहले माइनस फिर x की वैल्यू. 16 और 12 का एलसीएम हमारे पास, यहाँ मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया. दिस इज 48. 16 3 ज़ा 48, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई. 12 4 ज़ा 48, तो 7 इंटू 4 कर दीजिए. माइनस 45 माइनस 28 ओवर 48. दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं, तो हम इनको प्लस कर लेंगे और साइन आएगा माइनस का, -73/48. लाइकवाइज आप यहाँ देखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. बाकी सारा एलसीएम वगैरह सब मेथड सेम आएगा, यहाँ दोनों टर्म्स प्लस की आई हुई हैं. तो इट विल गिव यू 73/48. तो x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, हैंस आर रिजल्ट इज वेरीफाइड. फोर्थ पार्ट इज x इज इक्वल टू -3/4, y इज इक्वल टू -5/6. प्रॉपर्टी सेम, y माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई. तो x माइनस वाई हमने पहले लिखा, y माइनस एक्स बाद में, यहाँ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बनाया है. 4 और 6 का एलसीएम इज 12. तो यहाँ आप पहले इसको वैल्यूज लिख लेंगे. अब पहले इस साइड देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा. 4 3 ज़ा 12, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया. 6 2 ज़ा 12, तो ऊपर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया. इट विल गिव यू -9 प्लस 10/12, 1/12. यहाँ देखिए -5/6, ये y की वैल्यू पहले, माइनस देन x की वैल्यू. माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, एलसीएम सेम, तो यहाँ आपके पास आ गया -10 प्लस 9, 1 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ग्रेटर टर्म का साइन भी लगाना है. तो -1/12, हैंस द प्रॉपर्टी x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई
x minus y minus z is not equal to x minus y minus z. यानी कि अगर हम पहले दो नंबर्स को माइनस करते हैं, बाद में उनके आंसर से थर्ड नंबर माइनस करते हैं, और दूसरी तरफ पहले पिछले दो नंबर्स को हम माइनस करते हैं और बाद में फर्स्ट नंबर से उनका जो डिफरेंस आया वो माइनस करते हैं, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी. यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है. एडिशन एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. तो एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ आपको गिवन हैं. पहले आप LHS में देख लीजिए, x माइनस वाई माइनस जेड, यानी कि पहले आपने ये दो नंबर्स माइनस करने हैं, बाद में थर्ड नंबर उसके डिफरेंस से माइनस करना है. तो ये ब्रैकेट लगा ली हमने, पहले हम x और y को माइनस करेंगे. दिस इज x, दिस इज y, माइनस बीच में नेगेटिव ये वाला साइन, और ये जो है ये टर्म के साथ वाला साइन है. माइनस 2 बाय 3, 12 और 4 का LCM, दैट इज 12. 12 और 4 का LCM आपने पहले भी फाइंड आउट किया, वो 12 आता है. यहाँ 12 ये नंबर एज इट इज़ कैरी करते जाएंगे. माइनस 7 बाई 12 प्लस 3 बाई 4, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया. 12 वन ज़ 12 तो 7 इंटू 1 रहेगा, जो कि 7 इंटू 1 1 7 ही होता है. 4 3 ज़ 12 तो 3 3 ज़ 9, माइनस 7 प्लस 9 बाई 12, माइनस 7 प्लस 9 इट विल गिव यू 2 बाई 12. 2 बाई 12, 2 बाई 12 का मतलब है 2 वन ज़ा 2 6 ज़ 12. तो दिस इज 1 बाई 6 माइनस 2 बाई 3. अब 3 एंड 6 का LCM 6 होगा. ये 1 ये सेम है, तो 1 इंटू 1 1 नहीं रहेगा. 3 2 ज़ 6 होता है, तो ऊपर के नंबर को यानी कि न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल गिव यू 1 माइनस 4 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 6, क्योंकि एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है, हमने माइनस किया और ग्रेटर टर्म का साइन लगाया. सो दिस इज माइनस 1 बाय 2. 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको माइनस 1 बाय 2 ले आए. अब इसी का RHS देखेंगे. RHS मतलब जिसमें हम पिछले दो नंबर्स को बाद में माइनस करेंगे और बाद में फर्स्ट नंबर. RHS x माइनस y माइनस z. तो पहले y और z को सब्ट्रैक्ट करना है, देन आपने बाद में x के साथ उसकी सोल्यूशन करनी है. तो y की वैल्यू और z की वैल्यू और ये x की वैल्यू एज इट इज़ आप लगा देंगे. 4, 3 का LCM 12, दिस इज माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, क्योंकि 3 4 ज़ 12 होते हैं, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. माइनस 7 बाई 12 माइनस, दिस इज माइनस 9 माइनस 8, माइनस 9 माइनस 8 इज माइनस 17. अब ये ब्रैकेट देखिए, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 12, 12 सेम LCM 12 ही रह जाएगा. माइनस 7 प्लस 10 17, इट विल गिव यू प्लस 10. कैसे, प्लस की टर्म माइनस की टर्म जब आप इनको सॉल्व करेंगे, 10 बाई 12 मतलब 5 बाई 6. तो हमारी LHS और RHS की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, सो द प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड, हेंस इट इज़ वेरीफाइड. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू 3 बाई 8 y माइनस 2 बाई 5 z माइनस 7 बाई 10. सेम उसी तरह से फर्स्ट पार्ट की तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे. पहले हम x एंड y वाली सोल्यूशन करेंगे. 3 बाई 8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 8 एंड 5 का LCM 40 होगा, तो इट विल गिव यू 8 5 ज़ 40, तो 3 5 ज़ 15, 5 8 ज़ 40, तो 8 2 ज़ 16, 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 7 बाई 10. नाउ दिस इज 31 बाई 40 प्लस 7 बाई 10, इट विल गिव यू LCM 40, ये 31, ये 7 4 ज़ 28, 31 प्लस 28 ओवर 40, दिस इज 69 बाई 49. ये आ गया हमारा LHS का आंसर. अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड. सो x 3 बाय 8 माइनस माइनस 2 बाय 5 माइनस माइनस 7 बाय 10, माइनस इंटू माइनस प्लस. पहले इनको सॉल्व कीजिए. 5 और 10 का LCM आ गया 10, 5 2 ज़ 10 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 10 1 ज़ 10 तो 7 1 ज़ 7, माइनस 4 प्लस 7, दिस विल गिव यू 3. ये देखिए ये 3, 3 बाई 10 और ये बाहर नेगेटिव है, तो ये हो गया 3 बाई 8 माइनस 3 बाई 10. अब 8 एंड 10 का LCM 40, 8 5 ज़ 40 तो 3 5 ज़ 15 और 10
4s are 40, तो -3 × 4 इट विल गिव यू 15 − 12, यानी कि 3/40. LHS जो थी उसका आंसर था 69/49, और RHS में 3/40 आ रहा है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. Hence our property is verified. सेम वे आपको थर्ड पार्ट करना है. दिस इज x इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू -5/4, z इज इक्वल टू 3/8. बिल्कुल सेम ग्राउंड्स पे आप चलेंगे, x माइनस वाई माइनस जेड. इसी तरह से आपने LCM लेना है, देन आप LCM लेके उनको सॉल्व करके आपके पास यहाँ आंसर आता है 3/8. और राइट हैंड साइड देखिए, उसमें -1/2 -5/4 -3/8. सेम, पहले आप 4 एंड 8 का LCM 8 ले लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज -10 -3 -13, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, -1/2 +13/8, अगेन 2 एंड 8 का 8 LCM, 2 4 ज़ा 8, ये 4 से मल्टीप्लाई, और ये 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. -4 +13/8, दिस इज 9/8. वो था 3/8, ये है 9/8. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस आवर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द फॉलोइंग. आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, फ्रैक्शंस दिए हैं, 3/4 +5/6 -7/8, आपने इनको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आप इनका LCM ले लीजिए, डिनोमिनेटर का 3, 6 एंड 8. आप देखिए ये मिक्स्ड सम है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो सिंप्लीफाई करना है. 4, 6 एंड 8 का LCM आपने लिया, दैट इज 24. अब 24 LCM आ गया, 4, 6 ज़ा 24, तो यहाँ 3 × 6 हो गया. 6, 4 ज़ा 24, तो 5 × 4 हो गया. और 8, 3 ज़ा 24, तो -7 × 3 हो गया. 6, 3 ज़ा 18, 5, 4 ज़ा 20, 7, 3 ज़ा 21. पहले इनको प्लस कर लीजिए, दिस इज 38 -21/24. अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दिस इज 17/24. क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड पार्ट, -11/2 +7/6 -5/8. तो सबसे पहले 2, 6 एंड 8 का आप LCM लीजिए, यहाँ पे आप LCM लेंगे तो इट विल गिव यू अगेन 24 हमारा LCM हो गया. 2, 12 ज़ा 24, तो -11 × 12 आ जाएगा. 6, 4 ज़ा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड 8, 3 ज़ा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू -132 +7, 4 ज़ा 28 -5, 3 ज़ा 15. इनको पहले सॉल्व कीजिए, देखिए ये दो टर्म्स, ओनली दीज टू टर्म्स, एक टर्म माइनस की एक प्लस की, करना क्या है, माइनस साइन ग्रेटर टर्म का लगा देना है. -15, अब दोनों टर्म नेगेटिव हो गई, करना क्या है, प्लस, और साइन आ जाएगा माइनस का, सो इट विल गिव यू -119/24. दिस इज द आंसर. थर्ड इज -4/5 -(-7/10 -5, 8/15. सबसे पहले आप इनका LCM लीजिए, डिनोमिनेटर्स का इट इज 30. एक और चीज, यहाँ ब्रैकेट है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. -4/5, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज प्लस इंटू माइनस माइनस. देखिए माइनस से ब्रैकेट ओपन की तो अंदर की टर्म का साइन बदल गया, प्लस से ब्रैकेट ओपन की तो वो एज इट इज ही रहा. नाउ 30 इज द LCM. 5, 6 ज़ा 30, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई. 10, 3 ज़ा 30, तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई. 15, 2 ज़ा 30, तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई. -24 +21 -16. यहाँ पहले इन दोनों को सॉल्व किया, इट विल गिव यू -3 -16. दोनों टर्म नेगेटिव कर देंगे, प्लस 16 +3 19, तो इट इज़ -19/30. दिस इज़ द आंसर. फोर्थ पार्ट, इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी से, कि एक ब्रैकेट दी हुई है आपको, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं. तो ये इसका मतलब होता है कि जो इनके अंदर नंबर हैं, पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, बाद में हम दूसरे की तरफ जाएंगे. तो देखिए -2/5 माइनस, दिस इज -3/10, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस. पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा. 10 और 15 का LCM 30. 10, 3 ज़ा 30, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई. 15, 2 ज़ा 30, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई. ये टर्म एज इट इज साथ लिखते जाएंगे, माइनस ब्रैकेट, दिस इज 3, 3 ज़ा 9, 4, 2 ज़ा 8, इट विल गिव यू -1/30. अब देखिए माइनस इंटू माइनस, दिस इज माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी, तो +1/30 बन जाएगा. 5 एंड 30 का अगेन LCM लिया जाएगा, विच इज 30. सो 5, 6 ज़ा 30, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो गया.
6 2s are 12 with negative sign plus 1. This is minus 11 by 30. This is our final answer. Fifth part is 3 by 8 minus minus 2 by 9 plus bracket 5 by minus 36. सो पहले हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, माइनस इंटू माइनस हो गया ये प्लस, तो फाइनली हमारे पास नंबर्स क्या बन गए, 3 बाय 8 प्लस 2 बाय 9, ये माइनस नहीं है, दिस इज नथिंग, दिस इज 3 बाय 8 प्लस 2 बाय 9 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 5 बाय 36. 8, 9 और 36 का LCM आपने लिया, दैट इज 72. 8, 9 जो 72, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई. 9, 8 जो 72, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई. और 36 टू जा, तो 5 टू जा हो गया. 9, 3 जो 27, 8, 2 जो 16, माइनस 10. इन दोनों को प्लस करेंगे, इट विल गिव यू 43 माइनस 10. 43 माइनस 10 आप करेंगे तो इट विल गिव यू 33 बाय 72. दिस इज द फाइनल आंसर. So students, this is all about exercise 1.2. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Hello everyone. Welcome to my class. Myself, Mrs. Rajni Bhatia. Start karte hain aaj first chapter ki exercise 1.3. Chapter is rational numbers for class 8th. फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग. आपको कुछ टर्म्स दी हुई है, उनको आपने सॉल्व करना है और इसमें आप रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इज 7 बाई 11 इन टू मल्टीप्लाई 5 बाई 4. इन टू या मल्टीप्लाई एक ही चीज़ है, 7 बाई 11 इन टू 5 बाई 4. अब इसमें देखिए, पीछे जब हमने एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, उसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को देखते हैं और एलसीएम लेते हैं. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ कोई एलसीएम नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना. पहले सिंपली आपने टर्म को ऑब्जर्व करना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर या ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, किसी भी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर मिलता है आपको. अगर कॉमन फैक्टर मिलता है, जैसे यहाँ 5 है तो ये नीचे 11 है, अगर 10 होता तो ये कॉमन फैक्टर होता. अगर कॉमन फैक्टर कुछ है तो आप कैंसिल करेंगे उनको सेम नंबर से, और अगर कुछ नहीं है तो सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. इसमें कोई एलसीएम कुछ नहीं आता. देखिए 7, 5, 11, 4, कोई भी इनमें हमेशा जो कैंसिलेशन होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है. न्यूमरेटर न्यूमरेटर को नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते. मल्टीप्लिकेशन भी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. तो 7 इंटू 5, 11 इंटू 4. 7 5 इज़ 35, 11 4 इज़ 44. तो 35 बाई 44, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज सेकेंड, 5 बाई 7 इंटू माइनस 3 बाई 4. यहाँ पे भी देखिए कोई भी टेबल कॉमन नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए. तो 5 इंटू माइनस 3, 7 इंटू 4. 5 इंटू माइनस 3, 5 3 इज़ 15 विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन अगर एक बार होगा तो आंसर में आएगा, अगर दो बार होगा तो आंसर में नहीं आएगा, तीन बार होगा तो आएगा, चार बार होगा तो नहीं आएगा. यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे इतनी बार आ रही है, तो वो आंसर में आएगा नहीं. अगर वो इवन टाइम्स है, जैसे दो बार दो टर्म्स मल्टीप्लाई की नेगेटिव हैं या फोर टर्म्स नेगेटिव हैं, तो उस केस में आंसर पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा. नेक्स्ट इज थर्ड, 2 बाय 9 इंटू माइनस 5 बाय 11. तो 2 इंटू माइनस 5, 9 इंटू 11. 5 2s are 10 with negative sign, 11 9s are 99. Next, minus 3 by 5 into 4 by 7. So minus 3 into 4, 5 into 7. 4 3s are 12 with negative sign, 5 7s are 35. यहाँ अब देखिए, minus 8 by 7 into minus 14 by 5. तो पहले वही न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. अब यहाँ देखिए, ये 7 और ये 14, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14 होता है ना. 7 जो है, मतलब 14 जो है वो 7 के टेबल में आता है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे. 7 वन ज़ा 7, टू ज़ा 14. तो अब अल्टीमेटली टर्म्स क्या बची, माइनस 8 इंटू माइनस 2 ओवर 1 इंटू 5.
तो 8 2 16 माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि दो बार माइनस आया है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा, 1 इंटू 5 5। नेक्स्ट इज माइनस 5/9 इंटू 36/-25। तो पहले हमने वही लिख लिया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब देखिए 5 के टेबल में 25 होता है, माइनस और माइनस भी देखिए कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर माइनस आ जाए बोथ तो वो कैंसिल हो जाता है। 5 1s are 5, 5s are 25, 9 1s are 9, 4s are 36। तो टर्म्स क्या रह गई पीछे, ये माइनस नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास आया 1 into 4 over 1 into 5, तो 4 1s are 4, 5 1s are 5, 4/5 is the answer। नेक्स्ट इज -8/25 into -5/16, उसी तरह से लिख लिया। अब देखिए ये 25 और 15, चाहे ये सेम टेबल नहीं है, 15 के टेबल में नहीं होता, बट 5 के टेबल में ये दोनों आते हैं, हमने कॉमन इनका फैक्टर देख लेना है। कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, 5, 5 3s are 15, 5 5s are 25। इसी तरह से 8 1s are 8, 8 2s are 16, तो हमने ये कैंसिल कर लिया। दिस इज -1 into -3 over 5 into 2, 3 1s are 3 विद पॉजिटिव साइन, 5 2s are 10, दिस इज द फाइनल आंसर। एट्थ पार्ट, -6/11 into -44/30, तो -6 into -44 over 11 into 30। अब 6 के टेबल में 6 1s are 6, 5s are 30 होता है, तो यहाँ 5 आ गया, 11 1s are 11, 11 4s are 44, तो वो भी हमने कैंसिल कर दिया, 1 into 4, 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 5 1s are 5, तो 4/5 is the answer। नेक्स्ट इज 5/17 into -51/30, तो उसको इसी तरह से हमने लिख लिया, 5 1s are 5, 6s are 30, 17 1s are 17, 17 3s are 51, और फिर अगेन ये देखिए 6 है तो ये 3 था, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, एक बार नेगेटिव है तो वहाँ लगा दिया 1/2, और बाकी सारे कैंसिल हो गए। नेक्स्ट इज 10th पार्ट, -7/18 into -15/-7, ये इसी तरह से हम लिख लेंगे, -7 into 15, 18 into -7। अब 3 के टेबल में 3 5s are 15 and 3 6s are 18, और 7 1s are 7, 1s are, हमारे पास क्या रहा यहाँ, ये देखिए नेगेटिव और नेगेटिव भी कैंसिल हो गया, तो 1 5s are 5 और ये 6 1s are 6, तो 6 5/6 is the answer। नेक्स्ट पार्ट 11th इज -16/5 into -20/9 into -3/4। अब देखिए यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो मेथड वही रहेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं है, न्यूमरेटर सारे आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स सारे आपस में मल्टीप्लाई, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो हमने कर देनी है, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 3 1s are 3, 3 3s are 9, एंड ये 4 जो था फाइनली 4 1s are 4। तो पीछे क्या रहा हमारे पास, ओनली 3 नीचे और ऊपर -16, तो दिस इज माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा, 16/3, दिस इज द आंसर। 12th इज 9/10 into -15/27 into 18/5। नाउ 9 1s are 9, 9 3s are 3, 1s are 3, 5s are 15, 5 1s are 5, 1s are, अगेन दिस इज 2 से 2, 5s are 2, 9s are, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह गया, -9 और ये नीचे 5, तो -9/5 is the answer। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई आपने क्या करना है कि x into y is equal to y into x, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करती है। यस, नंबर्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर कॉम्यूटेटिव होते हैं, जैसे 3 into 4 कर लो वो भी 12 है, 4 into 3 कर लो वो भी 12 है, तो यू हैव टू शो दिस। नंबर्स आर गिवन, x is equal to -5/7, y is equal to 9/13, तो x into y, और यहाँ आप RHS लिख लीजिए, y into x, पहले x पहले लिखिए, y बाद में, इस तरफ y पहले और x बाद में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -45/91, 9 5s are 45, 17 13 into 7 that is 91, सेम हियर 9 5s are 45, 13 into 7 that is 91, सिर्फ नंबर्स को आगे पीछे किया है, तो x into y is equal to y into x, दिस इज वेरीफाइड।
Question number 2, second part. Second part is, x is equal to 3 by 10, y is equal to minus 15 by 8. सेम आपने वही प्रॉपर्टी शो करनी है इसमें भी, x इंटू वाई फिर y इंटू x. x इंटू वाई पहले कर लेते हैं, आप चाहें तो इसको LHS, RHS ये लाइन लगा के या 1 by 1 आप जिस मेथड से मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा. 3 by 10 x की वैल्यू इंटू y की वैल्यू माइनस 15 by 8. आप देखिए यहाँ 5 के टेबल में 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 3 थ्री ज़ा 9 विद नेगेटिव साइन, 8 टू ज़ा 16. अब y इंटू x कर लीजिए, उसमें भी देखिए y पहले x बाद में लिखा तो आपने उसको सेम वे में कैंसिल किया तो माइनस 9 by 16 आया. तो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, दिस इज वेरीफाइड. थर्ड इज x इज इक्वल टू -7 by 8, y इज इक्वल टू -4 by 9. एक्स इंटू वाई यानी कि -7 by 8 इंटू -4 by 9, सो 4 ones are 4, 2s are 8 एंड बाकी सेम. तो 7 और ये 1, 7 ones are 7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 9 twos are 18. y into x में टर्म्स अपोजिट आगे पीछे कर दी, यानी कि y पहले आ गया, y x पीछे चला गया, तो आंसर सेम रहेगा 7 by 18. सो x into y इज इक्वल टू y into x, दिस इज वेरीफाइड. नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -9 by 10. x into y 5 into -9 by 10, 5 ones are 5, 2s are. इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब 1 है. 9 ones are 9, 2 ones are 2 विद नेगेटिव साइन. y इंटू एक्स देखिए -9 by 10 आप पहले लिखेंगे और 5 बाद में लिखेंगे, तो 5 ones are 5, 2s are, आंसर विल बी सेम. सो x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स, दिस इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड. अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, हमने एडिशन में भी पढ़ी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. वहाँ एडिशन था, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. यानी कि पहले आप पिछले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, या आप पहले दो पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, देन उनके आंसर को आप थर्ड से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा. यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यह आपने बताना है. तो x इज इक्वल टू -7 by 6, y इज इक्वल टू 12 by 5, z इज इक्वल टू -2 by 9. LHS, RHS से हम कर लेते हैं, x इंटू y इंटू z एक तरफ और ये वाला इस तरफ. इसमें क्या करेंगे, -7 by 6 वैल्यूज पहले पुट करी और पहले y एंड z को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 fours are 3, 3s are 9. अब आप इनको करिए 4 twos are 8 विद नेगेटिव साइन, 5 threes are 15, फर्स्ट नंबर आप एज इट इज लिखते जाएंगे साथ. सो दिस इज -7 into -8 ओवर 6 into 15. अब यहाँ देखिए 2 fours are 8, 2 threes are 6, तो हमारे पास क्या रह गया, 7 fours are 28 विद पॉजिटिव साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, और 15 threes are 45. RHS में भी आप देख लीजिए, पहले आप पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -7 by 6 into 12 by 5 पहले ये सॉल्व होंगे, बाद में Z. तो 6 ones are 6, 2s are 7, 2s are 14 विद नेगेटिव साइन, 5 ones are 5. अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 twos are 28, 5 nines are 45, 28 upon 45. ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज वेरीफाइड. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू 1 by 2, y इज इक्वल टू -5 by 8, z इज इक्वल टू -3 by 5. एसोसिएशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही आपने बतानी है. x इंटू y इंटू z इज इक्वल टू x इंटू y इंटू z. फ़र्क है स्टूडेंट्स इसमें, इसमें हम पिछले दो नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में उसके साथ फर्स्ट नंबर, और इसमें हमने पहले दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में उस आंसर को थर्ड से करना है. हेयर इज द डिफरेंस. तो 1 by 2 ये देखिए यहाँ y और z की वैल्यू लगा दी, 5 ones are 5 ones are, दिस इज 1 into -into -+ हो गया, 3 ones are 3 हो गया, और 8 ones are 8 हो गया. 1 by 2 into 3 by 8 इट विल गिव यू 3 ones are 3, 8 twos are 16, तो 3 by 16. सेम आप यहाँ पे करेंगे, पहले हम इन दो नंबर्स को करेंगे, 5 ones are 5 विद नेगेटिव साइन, 8 twos are 16 इंटू -3 by 5 जो कि z की वैल्यू है, 5 ones are 5,
फाइव वन्स अ फाइव. अब थ्री के टेबल में 16 नहीं होता तो एज इट इज़ रहने देंगे. सो इट ये आ गया हमारे पास माइनस वन इंटू माइनस थ्री, 16 इंटू वन. दिस विल गिव यू थ्री वन्स अ थ्री, माइनस और माइनस प्लस हो गए और 16 वन्स अ 16. थ्री बाय 16, थ्री बाय 16. तो प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई होगी, दोनों तरफ सेम आंसर आया. थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल टू 5 बाय 7, y इज इक्वल टू माइनस 12 बाय 10, z इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 9. सेम यही प्रॉपर्टी आपने शो करनी है. 5 बाय 7 इंटू, पहले आप वैल्यूज डाल दीजिए x, y और z की दोनों तरफ. अब इसमें आप ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे. इसमें आप 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, 3 से 3 3s आर 9, 3 4s आर 12. 4 इंटू 2 विद नेगेटिव साइन बोथ, 4 2s आर 8 हो गया. प्लस का साइन, प्लस आप नहीं भी लिखेंगे तो स्टार्टिंग में अगर कोई साइन ना हो तो मतलब प्लस है. 5 बाई 7 इंटू 8 बाई 15, 5 वन्स आर 5, 3s आर 15. तो हमारे पास आंसर आ गया 8 बाई 21. सेम अब आप यहाँ भी करेंगे 5 बाई 7 इंटू माइनस 12 बाई 10. पहले ये सॉल्व करेंगे 5 वन्स आर 5, 2s आर 10. अब उस 2 से 2 वन्स आर 2, 6s आर 12. दिस इज माइनस 6 बाय 7 इंटू 4 बाय 9. अब 3 के टेबल में 3 2s आर 6, 3 3s आर 9. सो दिस विल गिव यू 4 2s आर 8 विद पॉजिटिव साइन. माइनस इंटू माइनस, दो बार माइनस आया है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा. 7 3s आर 21. बोथ आंसर्स आर सेम, 8 बाय 21, 8 बाय 21. तो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑन द सेम ग्राउंड्स हमने उसको भी सॉल्व कर लेना. वैल्यू x, y एंड z की गिवन है. ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू. पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. 10 2s आर 20, 9 7s आर 63. अब इनको अब अगेन सॉल्व करेंगे. 3 1s आर 3, 21s आर 63. और यहाँ 5 1s आर 5, 4s आर 20. 4 1s आर 4 विद नेगेटिव साइन और 21 डिनोमिनेटर में. सेम यहाँ भी 3 3s आर 9, तो ये 2 1s आर 2 विद नेगेटिव साइन. 5 3s आर 15 इंटू 10 बाय 7. अब 5 के टेबल में 5 2s आर 10, 5 3s आर 15. सो दिस इज माइनस 4 बाय 21. दोनों तरफ आंसर सेम आया तो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपने ये जो नंबर्स दिए हैं इनका रेसिप्रोकल करना है. रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना. माइनस टू, दिस इज इक्वल टू 1 बाय माइनस टू. माइनस 5 बाय 8, दिस इज 8 बाय माइनस 5. सिंपल है, आपने इसको इंटरचेंज कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. इसका आ गया माइनस 9 बाय 7, दिस इज इक्वल टू 4 बाय माइनस 3. रेसिप्रोकल. नेक्स्ट पहले इसको सॉल्व कर लीजिए. 3 वन्स आर 3, 5s आर 15. तो आंसर कितना आ गया? 2 वन्स आर 2 अपॉन 7 5s आर 35. तो रेसिप्रोकल इसका क्या आ जाएगा? 35 अपॉन माइनस 2. इसमें भी देख लीजिए सॉल्व करेंगे तो 3 वन्स आर 3, 3 3s आर 9, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12. 3 एंड 3, सो दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाय 2. तो रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2, 2 बाय 1 मतलब 2. Next is, this is 2 3s are 6, 2 4s are 8. Minus 20 by 3, तो इसका reciprocal कितना आ गया? 3 by minus 20. Next is, 3 1s are 3, 3s are 9. So this is minus 7 by 3, तो reciprocal क्या हो जाएगा? अब इसको reverse कीजिए, 3 by minus 7. Reciprocal is 3 by minus 7. So students, this is all about exercise 1.3. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Question number 5. Again verify. Isme property hai x into y plus z is equal to x into y plus x into z. Yani ki distributive property of multiplication over addition. Distributive property of multiplication over addition. Isko bolte hai. X ki value hai 3 by 5. Y is equal to 25 by 24. Z is equal to 10. So LHS. X into y plus z, x बाहर y plus z. अब y plus z है तो इसमें हमें प्लस वाले नंबर्स में LCM लेना पड़ता है. z की वैल्यू है 10, 10 का मतलब 10 by 1. पहले अब आप इसका LCM लेंगे. 24 और 1 का LCM आ गया 24. 24 वन्स आर 24, 25 एज इट इज ही आ जाएगा क्योंकि इसको ये सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है. और यहाँ 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि वो डिनोमिनेट एलसीएम के बराबर आ जाए? 24 से. तो 24 इंटू 10 टू 40. जिस तरह से हमने पिछली एक्सरसाइजेज में हमने बहुत डिटेल में इसको समझा है प्लस और माइनस वाले रेशनल नंबर्स के लिए, तो उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं.
अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, दिस इज 265 अपॉन 24. अब ये आपका मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 3 अपॉन 5 इंटू 265 अपॉन 24, 3 वन्स आ 3 एट्स आ. अब एलसीएम नहीं लेना स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई आ गया है, 5 वन्स आ 5, 53 इज़ आ 265, तो 53 इंटू 1, 53 ओवर 8. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. अब चलते हैं राइट हैंड साइड, वो क्या है, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड. ये क्वेश्चन में देखिए आपके पास यही प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी थी, तो अब हम RHS पे आए हैं. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन आप इनके आंसर्स को प्लस करेंगे. 3 वन्स आ 3 एट्स आ 24, 5 वन्स आ 5 फाइव्स आ 25, बीच में प्लस का साइन है. 3 बाई 5 इंटू 10, 5 वन्स आ 5 टूज आ 10, यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब 1 है. 5 बाई 8, 5 वन्स आ 5, 8 वन्स आ 8 एंड 3 टूज आ 6 ओवर 1. अब देखिए ये नंबर्स प्लस में आए, अब हमने इनका क्या लेना है, LCM. सो दिस इज 8 और 1 का LCM 8. ये डिनोमिनेटर और LCM सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर सेम आ जाएगा. 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, तो 8 6 आ 48, इनको आप प्लस कर लेंगे, 53 बाई 8. तो LHS RHS दोनों आंसर सेम आए. LHS में भी हमारा आंसर 53 बाई 8 था और यहाँ भी 53 बाई 8 है, तो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. सेकेंड पार्ट सेम प्रॉपर्टी, x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड. एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 4, वाई इज इक्वल टू 8 बाई 5 एंड जेड इज इक्वल टू 16 बाई 15. एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ये RHS हम इस तरफ लिख रहे हैं. आप चाहे तो जिस तरह से पहला किया, पहले LHS सॉल्व करो देन बाद में, और आप चाहे तो इस तरह से पार्टीशन करके भी इसको कर सकते हैं, बोथ वेज आर करेक्ट. x इंटू वाई प्लस जेड, तो पहले क्या करना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ये y और z को सॉल्व करेंगे. 15 और 5 का LCM 15, 5 3s are 15, 3 8s are 24, 15 1s are 15 or 16 into 1 that is 16. Isko kiya solve plus kiya to 40. Now 5 by 4 into 40 by 15. 5 1s are 5 3s are 15, 4 1s are 4, 4 10s are 40. To minus 10 by 3s is taraf ka answer aaya. Ab hum RHS pe chalte hain. This is x into y plus y into z. Minus 5 by 4 into 8 by 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस 5 बाई 4 इंटू ये z की वैल्यू 16 बाई 15. पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, 5 वन्स आ 5 वन्स आ, 4 वन्स आ, 4 टूज़ आ 8, तो ये क्या हमारे पास बचा, 2 वन्स आ 2 विद नेगेटिव साइन, और यहाँ भी हमने कैंसिलेशन सब कुछ कर लिया, दिस इज माइनस 4 बाई 3. अब ये नेगेटिव आ गया, बीच में माइनस का साइन है, तो अब हमने क्या करना है, LCM लेना. 3 और 1 का LCM 3, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस 6, और 3 1 ज़ा 3, 4 को 1 से करेंगे तो माइनस 4 ही रहेगा, दिस इज माइनस 10 बाई 3. तो दोनों तरफ आंसर जो है LHS और RHS में माइनस 10 बाई 3, माइनस 10 बाई 3. LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गई. थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 7, y इज इक्वल टू 14 बाई 10, z इज इक्वल टू 3 बाई 5, प्रॉपर्टी इज सेम. सेम ही तरीके से हम करेंगे, x इंटू वाई प्लस जेड. LHS पहले y और z की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये प्लस में है, तो हम इनको क्या करेंगे, LCM लेंगे. LCM इसका कितना आ गया, 10 और 5 का LCM 10 है, 14 का 14, 5 2's are 10, तो 3 2's are 6 हो गया. अब हमारे पास आया माइनस 2 बाई 7 इंटू 20 बाई 10, 2 वन्स आ 2 फाइव्स आ, 5 वन्स आ 5 फोर्स आ, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 4 बाई 7. सेम वे हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं, दिस इज x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड. एक्स इंटू वाई प्लस ब्रैकेट में x इंटू जेड, 2 वन्स आ 2 फाइव्स आ 7 वन्स आ 7 टूज आ 14, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होता, इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 टूज आ 6 विद नेगेटिव साइन, 7 फाइव्स आ 35. अब 5 और 35 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, अब ये नेगेटिव टर्म्स आ गई, अगेन हमने अब क्या करना है, LCM लेना. 5 और 35 का LCM 35, 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, और ये सेम माइनस 14 माइनस 6 अपॉन 35, दिस इज माइनस 20. देखिए दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो हमने क्या करना है, इनको प्लस किया और आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव माइनस 20 बाई 35.
यानी कि अब इनको कैंसिल किया जा सकता है, 5 4 5 7 -4/7 -4/7 -4/7 सेम, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस आर रिजल्ट इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ प्रॉपर्टी इज टू बी वेरीफाइड. वेरीफिकेशन, वेरीफाई x इंटू वाई माइनस जेड. पिछली प्रॉपर्टी और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें यहाँ प्लस था, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ये, वो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन था. x इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड. x की वैल्यू गिवन, y की वैल्यू गिवन, z की वैल्यू गिवन. LHS x इंटू वाई माइनस जेड सेम ग्राउंड पे करना है, बस इसमें ये सब्ट्रैक्शन है. LCM सेम तरह से लेंगे, 7 4 28, यहाँ 4 7 7 3 21, 7 4 6 4 24. LCM जिस तरह से आप हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव में लेते हैं. -2/3 इंटू -3/28. -3 कैसे आया, देखिए एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है, करना माइनस है और साइन ग्रेटर टर्म का आना है. अब इनमें से जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो आप कर लेंगे, जैसे 2 1 2 14 28, 3 1 3 1, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, 1 1 1, 14 1 14, 1/14 इज द आंसर. इसी तरह से RHS -2/3 इंटू 3/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर -2/3 क्योंकि ये x की वैल्यू है इंटू 6/7. जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो हमने कर ली, 2 2 4, 3 1 3 1, 3 2 6, -1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 2 4, 7 1 7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -1/2 प्लस 4/7. अब 7 और 2 का LCM 14, 2 7 14, 7 1 7, 7 2 14, तो 4 2 वही 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8, दिस इज 1/14. माइनस किया इनको, बड़ी टर्म का साइन प्लस का है, 1/14, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द प्रॉपर्टीज वेरीफाइड. सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू 5/6, z इज इक्वल टू -3/10. सेम प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है, x इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड. वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट की. अब पहले हमने क्या करना है, हमने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, जिस तरह से हम हमेशा करते हैं. माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 और 10 का LCM 30 आ गया. ये देखिए 6 एंड 10 का LCM यहाँ आपके लिए सॉल्व किया हुआ है. 6 एंड 10 का LCM, 2 3 6, 2 5, अब 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, 5 3 15, 2 30, 6 5 30, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 25, 10 3 30, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, दिस इज 34/30, 2 1 2 17, तो हमारे पास आंसर आया -17/30. नाउ लेट अस चेक राइट हैंड साइड, x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड, x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड. यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होता, ना यहाँ कुछ कैंसिल होता है, तो हमने सीधे मल्टीप्लाई कर लिया, 5 1 5, नेगेटिव साइन, 6 2 12, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 3, 10 2 20. अब इनको 12 और 20 का LCM लो, 12 एंड 20 का LCM यहाँ हमने लिया, ये देखिए ये आ गया हमारे पास 60, कैसे, 2 6 12, 2 10, 2 से 2 3 एंड 5, 3 एंड 5 अगेन प्राइम नंबर्स आ गए, 5 3 15, और ये 4 5 15 4 60, 12 5 60, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई तो 5 5 25, 20 3 60, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई तो 3 3 9, -34/60 आ गया. दोनों टर्म नेगेटिव हैं, करना प्लस है, साइन माइनस का आएगा. 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास -17/30, दोनों तरफ सेम आंसर आ गया, तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई. नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू 8/9, z इज इक्वल टू -10, x इंटू वाई माइनस जेड और x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड. सेम वे में आप इसको भी प्रोसीड करेंगे, दिस इज y माइनस जेड, y माइनस जेड. माइनस टू माइनस प्लस हो गया और 9 LCM में आ गया, यहाँ 1 था, ये हमारा LCM आ गया. अब हम इनको सॉल्व करते हैं, दिस इज 3/4 इंटू 98/9, 3 3 9, 3 1 3, 2 से 2 2 4 एंड 2 49, तो दिस इज 49/6. सेम आप यहाँ भी चलेंगे, 3/4 इंटू 8/9, -3/4 इंटू -10, 3 3 9, 4 1 4 2 8,
टू टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा टेन, क्योंकि ये आपस में ये देखिए मल्टीप्लाई हैं। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, बाद में उनके आंसर्स को प्लस या माइनस करना है। तो दिस इज़ टू बाई थ्री, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन ओवर टू, थ्री और टू का एलसीएम आ गया सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, टू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, उस थ्री को हम यहाँ फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिफ्टीन थ्री ज़ा फोर्टी फाइव, इन दोनों को प्लस करो, इट विल गिव यू 49 बाय 6। तो यहाँ भी 49 बाय 6, यहाँ भी 49 बाय 6, हेंस आर रिजल्ट इज वेरीफाइड। सेवंथ क्वेश्चन इज नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है वो आपने बताना है। माइनस 2 बाय 5 इंटू 3 बाय 4, फिर 3 बाय 4 पहले और ये बाद में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट इज 3 बाई 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, माइनस 3 बाई 8 इंटू 1, माइनस 3 बाई 8 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 3 बाई 8, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम आया, तो दिस इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने पिछली एक्सरसाइजेज में भी आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे टर्म पे कोई फर्क ना पड़े, जैसे टू वन ज़ा तो टू ही रहता है, थ्री वन ज़ा थ्री ही रहता है, तो वन इज़ द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, वो हमने डिस्कस किया था। अब ये देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, फाइव बाई एट इंटू ब्रैकेट में 3 बाई 4 प्लस 2 बाई 3, दिस इज इक्वल टू जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में की है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। पूरा आपने लिख लेना है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है, देखिए बीच में प्लस का साइन है ना, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट इज माइनस 2 बाई 7 इंटू 5 बाई 4 इंटू 7 बाई 10 is equal to minus 2 by 7, this is associative property of multiplication. And what about next? This is distributive property of multiplication over subtraction. Distributive property of multiplication over subtraction. क्योंकि ये बीच में यहाँ नेगेटिव साइन है, तो ये सब्ट्रैक्शन है, अगर प्लस का होता तो एडिशन होता। नेक्स्ट आर MCQs. For the rational numbers x, y and z, which of the following statements is not true? देखिए x into y is equal to y into x होता है, x into y ये भी होता है, ये property भी hold करती है, but ये नहीं hold करती, subtraction is not commutative, तो ये property hold नहीं करती है। Minus 5 by 8 into 4 by 7 is equal to 4 by 7 into minus 5 by 8. Which property it holds? This is commutative property of multiplication. The multiplicative identity of a rational number a. A ki multiplicative identity kya hai? That is 1. Abhi maine explain kiya. The statement this holds under the property. Isme kaun si property hold kar rahi hai? Distribution of multiplication over addition. No, ye addition nahi hai. Ye subtraction hai. Toh last wali ho gayi. D. Distribution of multiplication over subtraction. Which of the following number does not have the multiplicative inverse? किसका multiplicative inverse नहीं है? Multiplicative inverse क्या होता है? Number को reverse कर देना, number को reciprocal कर देना. So, which of the following does not have the multiplicative inverse? Zero. क्योंकि अगर zero को inverse करेंगे तो वो क्या आएगा? 1 by 0. तो rational numbers क्या हैं? कि zero जो है denominator P and Q, where Q is not equal to 0, यानी कि denominator 0 नहीं है. So, this is 0. Sixth part is, which of the following numbers is the multiplicative inverse of itself? कौन सा ऐसा नंबर है जिसको रिवर्स, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन उसकी रेसिप्रोकल भी कर दिया जाए तो भी वो सेम ही रहता है? 1 एंड माइनस 1, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो वो 1 बाय 1, अगेन 1, माइनस 1 का करोगे तो 1 बाय माइनस 1, दैट इज़ अगेन 1, तो बोथ बी एंड सी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास, माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 फॉर क्लास 8 रैशनल नंबर्स न्यू सिलेबस वाली बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अब हम रैशनल नंबर्स की डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड, टर्म्स आर गिवन 2 बाय 5 बाय 3 बाय 4। तो पहले हम इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे, 2 बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4।
अब डिवाइड को सॉल्व करने का स्टूडेंट्स कोई तरीका नहीं है, सिंपल वे इसका यही है, इसमें यही मेथड है कि डिवाइड को आप किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई, और जो नेक्स्ट टर्म लिखी है डिवाइड के बाद जो टर्म लिखी है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा, टर्म को रिवर्स कर देना, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लेना। सो डिवाइड को हमने किया मल्टीप्लाई में चेंज, और ये टर्म जो है इसका बनाया रेसिप्रोकल, फर्स्ट का नहीं बनाना, लास्ट का बनाना है, फर्स्ट एज इट इज। सो दिस इज 4/3। अब आप मल्टीप्लाई की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 2 8, 5 3 15, कैंसिल कुछ नहीं होता, तो 8/15। सेकेंड पार्ट इज -3/8 बाय -2/3। सो डिवाइड को किया मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का किया रेसिप्रोकल, 2/3 को क्या बना दिया 3/, ये -2, और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, और देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं होता। ये आप नहीं कर सकते, इस 2 को और इस 8 को, इस 3 को, इस 3 को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैंसिलेशन होती है वो हमेशा कहाँ होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में होती है। सो दिस इज 3 3 9, 4 8 2 16, 9/16 दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट -5/6/3/4, डिवाइड लिख लिया, बाय की जगह हमने डिवाइड का साइन डाला, देन डिवाइड को किया मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म को बनाया रेसिप्रोकल, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया, 2 2 4, 2 3 6, अल्टीमेटली आंसर इज -5 2 10, 3 3 9, -10/9। फोर्थ पार्ट इज -5/8/-3, डिवाइड, देन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज। अब देखिए यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब 1 है, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे दिस इज -1/3, 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, कैंसिल कुछ नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 5, 8 3 24। नेक्स्ट इज -3/4/-6, 3/-3/4 डिवाइडेड बाय -6, -6 का मतलब डिनोमिनेटर 1 है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और रेसिप्रोकल कर दिया, 3 1 3 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, चाहे लिखो ना भी, लिख भी दोगे तो भी ठीक होगा, नहीं लिखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, 1 1 1, 4 2 8। नेक्स्ट इज -2/3/-7/12, -2/3 डिवाइड -7/12, दिस इज -2/3 इंटू 12/-7, माइनस और माइनस भी खत्म हो गया, 3 1 3 4, तो आंसर इज 4 2 8, चाहे आप यहीं ख़त्म कर दो चाहे यहाँ भी, 8/7 इज द आंसर। सेवन्थ पार्ट इज -16/21/-4/9, डिवाइड, देन डिवाइड को मल्टीप्लाई, टर्म का रेसिप्रोकल, कैंसिलेशन, 4 4 16, 3 3 9, 3 7 21, तो 4 3 12, और माइनस भी कैंसिल हो गए, और 7 1 7, 12/7 इज द आंसर। एट्थ पार्ट -10/9/-25/12, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का रेसिप्रोकल, 3 3 9, 3 4 12, 5 2 10, 5 5 25, तो 4 2 8, 5 3 15, 4 2 8 ऊपर आ गया, ये नेगेटिव साइन, 5 3 15। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज वेरीफाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज नॉट इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के अंदर होल्ड नहीं करती। 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटली डिफरेंट आंसर आएगा, यही आपने इस प्रॉपर्टी में दिखाना है। तो x इज इक्वल टू 5/7, y इज इक्वल टू -3/4, LHS एंड RHS, x डिवाइडेड बाई वाई, y डिवाइडेड बाय x, पहले आप x की वैल्यू डिवाइडेड बाय y की वैल्यू, सेम मेथड, डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का रेसिप्रोकल, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होता, -20/21 आ गया। अब यहाँ देखिए y डिवाइडेड बाय x, y पहले लिखा जाएगा, x पीछे लिखा जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का रेसिप्रोकल, 7 3 21 विद नेगेटिव साइन, 5 4 20, यहाँ देखिए -20/21 है, यहाँ -21/20 है, तो LHS RHS नॉट इक्वल हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, क्योंकि इसमें हमने नॉट इक्वल टू ही दिखाना था। नेक्स्ट इज सेकेंड, x इज इक्वल टू -7/10, y इज इक्वल टू -5/12, x डिवाइडेड बाय y, y डिवाइडेड बाय x, तो ये देखिए हमने वैल्यूज डाल ली, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, सेम मेथड, कैंसिलेशन, देन यहाँ हमारे पास 42/25 आया।
सेम हम यहाँ चलेंगे, y की वैल्यू पहले, पीछे x की वैल्यू, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, टर्म का रेसिप्रोकल कैंसिल करके 25/42 आ गया. तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, therefore द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू -3/4, y इज इक्वल टू -9/16. LHS RHS, -3/4 डिवाइडेड बाय -9/16, यहाँ -9/16 डिवाइडेड बाय -3/4. देखिए सॉल्व किया, एक तरफ आंसर आया 4/3, एक तरफ आ गया 3/4. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, आवर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. वही रूल है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, टर्म का रेसिप्रोकल, देन कैंसिल, सब सेम है. क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z. यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर होल्ड नहीं करती है, वो आपने दिखाना है. x, y एंड z की वैल्यूज गिवन है. LHS, RHS, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z. यहाँ पहले फर्स्ट दो नंबर्स को डिवाइड करना है, देन आंसर थर्ड से. यहाँ पहले सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करना है, देन उससे हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे. -3/15 x की वैल्यू है वो एज इट इज, y और z की वैल्यू भी रख ली. अब ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 2 की वैल्यू 2 ओवर 1 है, तो मतलब 1/2. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, दिस इज -1/3. अगेन यहाँ देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, टर्म का फिर से रेसिप्रोकल हो गया, 3/1 हो गई. अब ये माइनस और माइनस खत्म हो गया, 3 3 9 और 5 15 1 15. अगर हम इसको 3 से कैंसिल भी कर लें तो दिस इज 3 एंड दिस इज 5, तो दिस इज 3/5. और अब हम यहाँ आते हैं, x डिवाइडेड बाय y पहले सॉल्व करेंगे. सो दिस इज x डिवाइडेड बाय y डिवाइड बाय z, ये बाद में, पहले ब्रैकेट. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 3/-2 हो गया, 3 1 3 5 15. ये हमारे पास सॉल्यूशन करके आ गया, 5 2 10, नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, 3/10 डिवाइडेड बाय 2. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1/2 हो गया. तो 3 1 3 10 2 20, एक तरफ 3/5, एक तरफ 3/20. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल ही हमने प्रूव करना था, हैंस इट इज वेरीफाइड. सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू -1/4, y इज इक्वल टू -3/2, z इज इक्वल टू -5/6. x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z, x डिवाइडेड बाय y, देन इट इज डिवाइडेड बाय z. सेम x, y और z की वैल्यूज लिख लिए. अब पहले पिछले दो को सॉल्व करना है, 3/2. डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का हो गया रेसिप्रोकल, दिस इज 2 1 2 2 3 6. तो माइनस और माइनस भी खत्म हो गया, 3 3 9/5 आ गया. अब इन दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को कर लो मल्टीप्लाई में चेंज, 9/5 का 5/9 हो गया, 5 1 5 9 4 36, -5/36. अब यहाँ चलते हैं, -1/4 पहले ये दो सॉल्व होंगे, डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का बनाओ रेसिप्रोकल, 2 1 2 2 2 4, दिस इज 1/6 डिवाइडेड बाय -5/6. अगेन टर्म को रेसिप्रोकल, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज. रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स किसको करना है, फर्स्ट को कि लास्ट को? डिवाइड के बाद वाली को करना है, पहले वाली को नहीं करना. तो दिस इज 6/-5, 6 and 6 कैंसल्स आउट, दिस इज -1/5. एक तरफ आंसर आया -5/36, एक तरफ आ गया -1/5. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 4, इट इज अ स्टेटमेंट सम, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -8/9. कोई दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में, तो आंसर क्या आता है, -8/9. इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस -2/5, अगर एक नंबर जो है वो ये है तो दूसरा फाइंड आउट करो, फाइंड द अदर नंबर. तो दूसरा नंबर हम रख लेते हैं x, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू x. वन नंबर क्या दिया हुआ, -2/5, तो -2/5 और x को जब प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, -8/9, क्योंकि यही आता प्रोडक्ट करके. x को इसी तरफ रखो, इक्वेशन सॉल्व करो, ये नंबर अपनी साइड चेंज करके इस तरफ जा रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. और एक चीज़ का खास ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये माइनस पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ टर्म्स प्लस माइनस नहीं हो रही, ये टर्म्स दो आपस में मल्टीप्लाई हैं. जब ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो उस तरफ जाके ये टर्म डिवाइड करेगी और
टर्म का साइन हम चेंज नहीं करेंगे। डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का बना दो रेसिप्रोकल, 2 1s are 2, 2 4s are 8, दिस इज 5 4s are 20, बाय 9 नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया। तो x इज इक्वल टू 20 by 9, यानी कि द अदर नंबर जो हमारा दूसरा नंबर है वो कितना आ गया 20 by 9, रिक्वायर्ड नंबर इज 20 by 9। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -10। सेम क्वेश्चन है ये भी, दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो कितना है -10। इफ वन नंबर इज 15, फाइंड द अदर नंबर, लेट अदर नंबर x, वन नंबर हमारे पास 15 दिया हुआ है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो कितना आना चाहिए -10, x into 15 is equal to -10, तो x is equal to, ये 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, -10 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 15 ओवर 1 है तो 1 by 15 रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 से 5 2s are 10, 5 3s are 15, तो x is equal to -2 by 3, तो जो नंबर हमें चाहिए था वो कितना है, अदर नंबर इज -2 by 3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बाय व्हाट नंबर शुड -3 by 4 बी मल्टीप्लाई। ये एक नंबर है, इसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाए 15 by 16। एक नंबर आपको दिया -3 by 4, एक किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है 15 by 16 आ जाए। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट जिस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है वो x है, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x, -3 by 4 into x, दिस इज इक्वल टू 15 by 16, तो x क्या आ जाएगा 15 by 16। ये यहाँ जाके क्या होएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, साइन चेंज नहीं करेंगे, 15 by 16 डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में चेंज, ये टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 by -3, 3 1s are 3 5s are 4 1s are 4 4s are 16, तो -5 by 4, ये माइनस भी है 5 by 4, 5 by 4 जो है वो ऐसा नंबर है -5 by 4, जिसको कि हम -3 by 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 5 by 16 आता है, तो रिक्वायर्ड नंबर इज -5 by 4। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.4। विद दिस द चैप्टर फर्स्ट इज फिनिश्ड, आई होप यू हैव गॉट इट। इस चैप्टर में क्या था, सबसे पहली एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें एडिशन है, 1.2 में सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स है, 1.3 में मल्टीप्लिकेशन एंड 1.4 में डिवीजन है। यानी कि इस फर्स्ट चैप्टर में आपने रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब सीख लिया, जो कि आप यहां से स्टार्ट करेंगे और 10th क्लास तक आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे किसी न किसी अलग रूप में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।